चुड़ैल बुआ। कुत्ता चाहता नहीं था शायद ये फतेहगढ़ जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? आज मैं अपना व्लॉग ना बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। कितना बज गया है? 3 करीब बजने वाला है ना। तो सुबह से मैंने सारे काम किए, ये सारे, आप ये बेटू का भी टॉय उधर रखा है, सारी बेडशीट वगैरह पूरी चेंज की, पिलो कवर सब कुछ चेंज किया, घर को क्लीन किया, वही सारे डेली के मतलब काम जो बार बार क्या शो करना है, एक ही तरीके काम, वो सारा कुछ करके मुझे एक ब्लॉग अर्जेंट एडिट करना था। हाय गाइस बोलो। मेरा ब्लॉग जाने देना, तुम अपने लिए भी बता दोगे क्या? नहीं नहीं, तुम ब्लॉग की पड़ी है। ये कंटेंट है। चलो हाय गाइस बोलो। क्या अब जो हो चुका कंटेंट बदल देंगे उसको? कितने दोस्त है आपके? हाय गाइस बताओ कौन ऐसे करता है? यूट्यूबर बहुत ही नीच किस्म के यूट्यूबर हो तुम। ये देखो आपके हाय गाइस चोट लगा है, बच्चों की तरह पट्टी बांधे कैसे टहल रहे हैं वहां। यहाँ मेरी जान सूख गई थी कल। अच्छा क्या? अच्छा हमें तो दिखी नहीं, तुम्हें जान सूखते हो। एक रात में ही हम सूख के पिचक जाते क्या? और क्या देख रहे हो, एक रात में कौन पिचकता है? बीवी से ज्यादा दुख किसको होगा? ये तो है। क्या कर रहे थे, वीडियो एडिट कर रहे हैं? हाँ यार, एक वीडियो एडिट कर रहे थे बैठ के, कल कर नहीं पाया था, कल थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया था हमारा, आपकी खबर सुन के फिर हमने कहा कि अब कर ले। चलो गाड़ी का काम कर लो। तुमने हल्दी वाला दूध पिया? हमने तुमसे 10 बार बोला। अरे सुबह से तो यही है, अभी जाएंगे तो पी लेंगे, घर जाएंगे तो। हाँ जरूर पीना, ठीक है। ओके रिपोर्ट सर, और कोई आज्ञा? देख रहे हो आपके हाई गाइस ने कितना बड़ा कांड कर दिया, मेरी जान निकल गई थी। मेरा नाम हाई गाइस नहीं, मेरा नाम प्रांजल चतुर्वेदी है। हम अपने पति का नाम नहीं लेते हैं। तो हाई गाइस की है, कौन होता है? तेरी बुआ चुड़ैल बुआ। अरे बुआ नीचे है पागल। अरे काय बुआ के फोन पे फोन कर ले, अच्छा वीडियो कॉल नीचे है बे। अरे कन्हैया मेरे पैर कौन छुएगा? हाँ खुश रह, आया हीरो कैप लगा के, ये अब आया है मी। वीडियो कॉल हो रही है, वीडियो कॉल यूट्यूब पे जाएगी। जा साड़ी दिखा दे जरा, साड़ी दिखा दे अच्छी लग रही है। अब शर्मा ले, पहले शर्मा ले। हाँ शुक्रवार हाँ हम आए जाइए। अरे अपनी बेटा तुम्हें तो बनाएंगे हम। हम बेशरम हैं, हम जबरदस्ती वीडियो बनाते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा एडिटिंग वगैरह का काम हो गया है, रूम भी मैंने एक साथ अरेंज कर दिया था क्योंकि बिखरा हुआ मुझे पसंद नहीं है। तो मैं उठती हूँ बेड से, तो बेड समेट देती हूँ। अभी गौरी का कॉल आ गया था तो मैं उससे बात कर रही थी, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लो ना मन अच्छा हो जाता है। वैसे भी कल से ना बहुत ज़्यादा मन खराब था तो इस वजह से अच्छा लगता है थोड़ा सा। मॉर्निंग से मेरे पास कॉल्स पे कॉल आ रही मेरी फ्रेंड्स की, सबकी, मतलब जो सुन रहा है, मतलब कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया वही मेरे पास कॉल कर रहा है, भले ही उनके पास की है अलग बात है। तो दो चार लोगों को छोड़ करके बाकी सबने मेरे पास कॉल की है, मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली दी, हिम्मत बंधाई। तो थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने मुझसे बात की है, उन सभी लोगों को। तो यहाँ पर बस चलिए शाम की शुरुआत करते हैं, थोड़ी देर में पहले
थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में, आप देख सकते हैं, और बनाने जा रही हूँ डिनर। डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि आजकल दिन छोटा होता है, आपको पता है। तो मेरा और बाकी जो एडिटिंग वगैरह का काम था ना, वो हो गया था, जैसे कि मैंने बताया कल नहीं कर पाया था, तो उससे भी मैं फुर्सत हो गई हूँ। खाना बनाने के मतलब डिनर बनाने के बाद मुझे एक वीडियो एडिट करना है, वो मैं बाद में करूंगी। और दिन में भी बस ऐसे हल्का फुल्का खा लिया था, कल भी कुछ खाना हम लोगों ने सही से खाया नहीं था, तो वही जो बचा खुचा तब रखा था, इच्छा नहीं कर रही थी तो वही खा लिया था। तो अब शाम होते होते अब लग रहा है कि कुछ अच्छा सा बना लिया, सब फ्रेश हो गई थी और हल्का सा मैंने मेकअप कर लिया, कुछ भी नहीं मतलब मेकअप इन द सेंस, मुंह धुला, एलोवेरा जेल लगाया, हल्का सा काजल, लिपस्टिक और सारी चीजें लगा ली हैं। अच्छा लगता है अपने मन में देखने, अपनी शक्ल देखने में, है ना। तो बस यही है, तो थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ अब मैं। तो चलिए फटाफट डिनर बनाते हैं, और डिनर में मैं क्या बना रही हूँ आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी अभी। तो फ्रेंड्स, काम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी छोटी सी शॉपिंग शेयर करना चाहती हूँ। तो ये एक मैंने जो कंटेनर है वो लिया था, और ये कितना ज्यादा यूजफुल है फ्रेंड्स, मतलब मैं तो फैन हो गई हूँ इसकी। चार डब्बे रखने की बजाय मतलब सिर्फ चार डब्बों की जगह नहीं घेरेगा, और काम ये वही करेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें पार्टीशन रहता है अंदर, और ऊपर से कैप लगा दो, दैट्स इट। और कितने इजी टू यूज़ है, इजीली इससे सामान भी बाहर आ जाता है। और इस तरीके से मैंने इसमें चने, राजमा, छोले, ये सारी चीज़ें भर के रख दी हैं, और जगह भी कम घेरता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और साथ ही साथ लिए थे मैंने ये दालों के लिए कंटेनर, ये भी सेम मतलब इनमें 500 ग्राम दाल आ जाती है एक डिब्बे में, बहुत ही आराम से, बिल्कुल आराम से। और ये देखने में भी कितने ज़्यादा सुंदर लगते हैं ना, और जगह बहुत कम घेरते हैं। चाहे तो इनको आप आगे रख सकते हो, पीछे और कंटेनर रख सकते हो, स्पेस सेविंग है। और इन सब की ना जो भी मैंने परचेज किया, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आप चाहते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग परचेज कर लेना अगर आपको भी यूजफुल लग रहे हो। तो देखिए कितने ईजिली ये इस तरीके से खुल जाता है, ओपन करके चीज़ें निकाल लो, स्टोर करने में भी आसानी, क्वालिटी भी इतनी सुपर है, और देखने में भी ब्यूटीफुल लगते हैं, किचन और ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगती है, और स्पेस सेविंग है। तो मतलब वो सारी क्वालिटीज़ को ध्यान में रख के मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। और नेक्स्ट देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल, ये ना बहुत दिनों से लेने का मन था, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इस चीज़ के बारे में फ्रेंड्स। ये मुझे बहुत ज़्यादा क्लासी, स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल लगता है अपनी किचन में, स्पेशली रखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। इसमें तो चाहे आप ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हो, डाइनिंग टेबल पर रख सकते हो, या फिर फ्रिज के अंदर रखना चाहो रख सकते हो, वैसे ही दिखाने की चीज़ है, छुपाने की नहीं। इसको आप डाइनिंग टेबल या किचन में रखो तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इसमें मैंने खड़े मसाले रख दिए हैं, तो इस तरीके से इसमें स्पून दी हुई होती है, और आराम से इजी टू यूज़ है, और देखने में भी बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, एकदम स्टाइलिश सा मुझे लगा तो मैंने लिया है इसको। और एक और चीज़ मैंने ली, अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी, पहले फटाफट से डिनर की तैयारी कर लेते हैं। तो डिनर में आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। यस, काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रही हूँ, मतलब बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने बैंगन को कट कर लिया था और बॉयल कर लिया था, एक सीटे में आराम से बॉयल हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। थोड़ा सा पानी डालो और कुकर में चढ़ा दो, बस बहुत थोड़ा सा, मतलब आधा कप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बॉयल हो चुके हैं, गर्मियाँ होती तो फ्रेंड्स इनको ठंडा करना पड़ता, बट इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि अपने आप ही ठंडे हो गए। थोड़ी देर में मैं इनके जो छिलके हैं ना वो उतार लूँगी। तो यहाँ पर जो सारे छिलके हैं वो भी उतर चुके हैं बैंगन के, बहुत ईजिली उतर जाते, कोई भी टाइम नहीं लगता। और चाकू से हल्का सा मैश कर दूंगी, अभी मैंने ऐसे रफली इनको मैश कर दिया है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं इनको। तैयारी मैंने सारी कर ली है, चॉपिंग वगैरह सब कुछ करके पहले ही रख लिया है। तो अब मैं कढ़ाई को वॉश करके चढ़ा दूंगी, मतलब मेरी आदत है बर्तन को ऐसे एक बार पानी से धुल करके मैं चढ़ाती हूँ यूज़ करने से पहले, तो वही किया है, वैसे तो धुली हुई रखी थी। और मुझे ना मीडियम साइज की कढ़ाई लेनी है, मतलब इससे जो छोटी वाली जैसे मम्मी के पास है ना मेरी, वैसी लेनी है, क्योंकि मेरी वो खराब हो रही है। तो फिलहाल मैंने कहा चलो बड़ी में ही बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है, सारा सामान एक साथ रख लिया है। सबसे पहले मैं कढ़ाई में डालूंगी सरसों का ऑयल सिंपल, इसमें जब गर्म हो जाएगा तो हींग जीरा डाल दूंगी, और कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी इसमें, और इनको अच्छे से फ्राई कर लूंगी। जब प्याज फ्राई हो जाएगा तो ऊपर से डालूंगी हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इन सबको मिला लूँगी। गैस एकदम स्लो रखना वरना क्योंकि जल जाएंगे मसाले, इस वजह से। ऊपर से डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर के ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, और थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। इन सारी चीज़ों को मिला करके ऊपर से मैं डालूँगी इसमें सब्जी मसाला। सब्जी मसाला डालने से ना बैंगन का टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़रूर डालती हूँ सब्जी मसाला।
तो उसको डालने के बाद मैं ढाक करके पका लूँगी, जल्दी से पक जाएंगे क्योंकि नमक पड़ा है, टमाटरों में दमी कितनी होती है, तुरंत पक जाते हैं। तो ढाक करके पका लिया, एकदम गल गए हैं। उसके बाद मैंने जो बैंगन का भरता तैयार करके रखा था वो डाल दूँगी और इनको मिला लूँगी। जब ये मिल जाएंगे तब अच्छे से मैं इसमें ऊपर से एक चम्मच नमक डालूँगी, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला था ना उसी के अकॉर्डिंग डालूँगी। और इसमें डालूँगी मैं आमचूर पाउडर तकरीबन एक छोटा चम्मच, आप चाहें तो नींबू का रस डाल सकते हैं बट मुझे आमचूर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को मिला करके अच्छे से मैशर से मैं मैश कर दूंगी। बैंगन का भरता ऑब्वियसली इसका नाम ही है भरता, तो इसका भरता तो बनाना ही पड़ेगा ना अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसको मैश कर लिया है। अब बस जो काम रह जाता है मेन काम इस भरते का, क्योंकि मैंने ये भूना नहीं है, बैंगन बॉयल किया है, तो जितने अच्छे से आप इसको तेज़ गैस करके चला चला के भूनेंगे ना तो उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से चला के भूंजा। चलाना पड़ेगा, चलाएंगे नहीं तो ये जल जाएगा भरता, फुल गैस रहती है ना इस वजह से। तो मैंने लगातार इसको चलाया है, हाथ भी दुख जाते हैं चलाते चलाते। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा सारा पानी सोख हो गया है और ऊपर से मैंने जो मटर बॉयल की थी ना वो भी मैंने डाल दी है और इसमें डाला है हरा धनिया। वैसे मैं पनीर के टुकड़े भी डालती हूँ बट आज अवेलेबल नहीं था तो नहीं डाले, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। इस तरीके से अगर नहीं बनाए तो ट्राई करना। आई नो भुने हुए लोग काफ़ी लोग बोलते हैं मुझसे बट मुझे तो अच्छा लगता है, आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। तो देखिए कितना यमी सा बन करके रेडी हो गया। और मटर के दाने में भून कर वो बॉयल करके ही डालती हूँ, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगते हैं ना, और ऊपर से ही डालती हूँ क्योंकि पहले डालूंगी तो ये भी साथ में भरता हो जाएंगे इस वजह से। तो भरता बन गया, उसके बाद में पराठे सेक लूंगी और आज मैं बनाऊंगी बथुए का रायता। उसकी रेसिपी मैं आपसे किसी और ब्लॉग में शेयर करूंगी, ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं, मेरी आदत है खाना बनाने के बाद मैं किचन को अरेंज करती हूँ और जो बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते उन्हें पानी से खंगाल करके रख देती हूँ। तो इतना सब करने के बाद मैं अब थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। और एक ये मैंने स्टूल भी लिया था, आप देख सकते हो फोल्डिंग स्टूल है, स्पेस बहुत कम घेरता है, मतलब स्टूल को रखने की कितनी जगह होती है ना, उठा के इधर रखो उधर रखो, तो इस तरीके से आप इसको खोल करके इसमें बैठ सकते हो। एक्स्ट्रा कहीं आपका मन है बालकनी में बैठना है, छत पर ले जाना है तो ईजिली इसको कैरी भी करके ले जा सकते हो और फोल्ड करके रख दो तो पता भी नहीं चलता है कहाँ पर रखा हुआ है, इतनी कम स्पेस लेता है ये स्टूल। तो सारों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग मेरा एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना अगर आपको इनमें से कोई भी परचेज करना हो प्रोडक्ट। तो सारे ही यूजफुल प्रोडक्ट हैं और सारों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो चलिए अब फटाफट से डिनर कर लेते हैं, यम्मी सा बैंगन का भरता, बथुए का रायता और पराठे, मतलब सर्दियों में ये सारे खाने का मजा ही अलग है ना। तो बेटू भी साथ साथ खाती जा रही क्योंकि बच्चे तो खेल खेल में ही खाते हैं ना, बड़ों की तरह तो नहीं खाएंगे। तो चलिए डिनर करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो, क्या बात, पानी पी लिया? चलो अब बॉटल रख दो। तो चलो, सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे सारे काम हो गए हैं, डिनर वगैरह निपट गया, खा पी लिया और इनसे बात भी हो गई, वीडियो कॉल सब कुछ हो गया। मेरा और बेटू का मम्मी नीचे चली गई है, सारे सीरियल देख लिए हैं, यस इतना कुछ हो गया है। उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, बस मैं काम करने जा रही थी, मैंने कहा अपना ये वाला ब्लॉग एंड कर देती हूँ। बस अब नन्नू सोएंगी और मम्मा काम करेगी, मम्मा ने अपना लैपटॉप खोल लिया है, ये अभी ठीक है थोड़े से, बट गाड़ी आज इन्होंने सही करवाई है, बट उसके कुछ पार्ट्स ना आगरा मिलेंगे तो कल ये आगरा जाएंगे, मतलब पापा जी के साथ ही आगरा जाएंगे, तब आगरा में गाड़ी ठीक होगी। तो मुझे तब भी दुख नहीं है, देखिए बुरा तो लगता है, उस टाइम बहुत एकदम मैं घबरा भी गई थी, बट जब थोड़ा सा मुझे समझ में आया ना तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि यार जब इंसान आपका सही सलामत है ना, उसे कोई दिक्कत नहीं है तो समझ लो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है जितनी इंसान की होती है, और इनको थोड़ा सा वो लग रहा था कि इतनी मेहनत की कमाई से अपनी कार खरीदी थी, उसको इतनी खराबी आ गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा ख़राब पहले वो कभी हुई नहीं। एक्चुअली वो गड्ढे में, वो मतलब कुत्ता आ गया था उनकी गाड़ी के सामने, तो उसको बचाने के चक्कर में उन्होंने ऐसे की होगी गाड़ी, तो नीचे गड्ढा था बगल में, तो बस वही गड्ढे में गिर गई, इतना सा हुआ था। और इतने में यार थोड़ा सा जब चीज़ें सडन हो जाती ना, सेकेंडों में होता है, तो कुछ समझ में नहीं आता, माइंड तो डिस्टर्ब हो ही जाता है। और एक्सीडेंट का नाम ही बुरा है, चाहे छोटा या बड़ा, मतलब एक्सीडेंट का नाम ही इतना बुरा है कि सुन के एकदम से होश से उड़ जाते हैं। तो बस यही है, एंड पता नहीं कैसे अचानक वो कुत्ता आ गया, वो कुत्ता चाहता नहीं था शायद ये फतेहगढ़ जाए इस वजह से आ गया, क्योंकि आज मॉर्निंग फतेहगढ़ निकलने वाले थे ना इस वजह से। बट चलिए कोई बात नहीं, ये ठीक है तो सब ठीक है, और ऐसी ब्लेसिंग्स मेरे साथ बनाए रखिएगा,
अपनी, और मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। फिलहाल बस ये वाला व्लॉग इतना ही। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ये वाला व्लॉग लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।